में 12 महीने में 12 तरीके से आपने प्यार करना सबको सिखाया, मुझे याद नहीं हुआ, तो वो 12 चीजें जरा गिना दीजिए। मुझे भी याद नहीं, आपको काफी टाइम हुआ है पिक्चर रिलीज हुआ है, उसके बाद बॉडीगार्ड आई है और बॉडीगार्डिंग भी भूल गया हूँ, अभी मैं एक था टाइगर पर निकल चुका हूँ, तो जो पिछली है उनको भूल जाओ, आगे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट। चलिए 12 नहीं, 2-3 प्यार करने के जो दोस्ती के तरीके होते हैं वो तो गिना दीजिए, अब साल भी खत्म होने वाला है। मेरा तरीका बहुत ही अलग है, आई थिंक इज्जत, इज्जत से आई थिंक बहुत प्यार मिलता है, और कहीं ना कहीं अगर आप अपने काम में इंटरेस्ट हो, इंटरेस्टेड हों और अपने लेवल पर अपनी हैसियत से थोड़ा सा उठ कर मेहनत कर अगर आपने काम किया तो वो अप्रिशिएट होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। सलमान, साल खत्म होने वाला है, साथ साथ आपका जन्मदिन आ रहा है, और आपको हमने कहते हुए सुना था, जानते भी हैं कि आपकी फैमिली में सारे बर्थडेज और एनिवर्सरीज मोस्टली नवंबर से शुरू होते हैं और 27 दिसंबर को ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या नया दिखेगा इस साल आपके बर्थडे पे, क्या प्लान्स हैं आपके, किस तरह मनाना चाहते हैं जन्मदिन, घर का खाना खाएंगे, क्या करेंगे? वही है कि फैमिली के साथ बिताएंगे, यूजुअली जो अजीज करीब दोस्त हैं वही आते हैं और किसी को इन्विटेशन नहीं दी जाते, सबको बताएं कि मैं कहाँ होऊंगा, तो वहाँ पर इन्हों चले आते हैं, बस यही होगा, और माता पिता फैमिली के साथ वक्त गुजरेगा, ऑब्वियसली घर का खाना ही होगा। वैसे मेरे लिए साल ख़त्म होना या साल शुरू होना कोई बड़ी बात नहीं है, आई टेक एवरी डे एवरी मिनट द प्रेजेंट, और प्रेजेंट फ्यूचर में जाता है, इसका मतलब कि वो प्रेजेंट, तो आई लिव माई लाइफ नाउ फॉर द प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट अच्छी तरीके से गुजर रहा है इसका मतलब कि फ्यूचर अच्छा जाएगा, अगर प्रेजेंट में कोई गड़बड़ी हुई और यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और यू डोंट चेंज योरसेल्फ, दैट मींस योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी रियली बैड, श्योर, सो आई जस्ट टेक इट एज यू लिव इन द एवरीडे, फॉर श्योर। सलमान ने प्रेजेंट की बात की, लेकिन एक और प्रेजेंट के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। सलमान, इस साल आपने बहुत लोगों को बहुत से प्रेजेंट्स दिए, आपने डायरेक्टर्स को हिट फिल्म्स दी, हीरोइंस को उनकी हिट फिल्म्स दी, आप क्या प्रेजेंट्स अब चाहते हैं कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और हीरोइनें आपको दें इस नए साल में और आपके जन्मदिन पर? मैंने किसी को कोई प्रेजेंट नहीं दी, इनफैक्ट जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जिन्होंने ये फिल्म लिखी है उन्होंने मुझे प्रेजेंट दी है, जो कि जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये गाने कंपोज किए हैं उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया है, जो हमारे ऑडियंसेस हैं जिन्होंने फिल्म देखी उनको फिल्म अच्छी लगी उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिए, मैंने अभी तक किसी को कोई प्रेजेंट नहीं दिया। अच्छा, कोई प्रेजेंट जो आप चाहते हैं कि आपको ज़रूर मिले इस जन्मदिन पर? बस कोई दुआ, इज्जत मिले और सेहत मिले। जी, ये साल आपके लिए एक मिक्स बैग रहा, बहुत सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आपकी 2 हिट फिल्में रिलीज़ हुई, आपने एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो किया, एक सर्जरी आपकी हुई, तो किस तरह से देखते हैं 2011 को आप और क्या कहेंगे उसके बारे में? 1965 से लेके हर साल बेटर ही हुआ है, अगर पिक्चर हिट भी नहीं हुई या कुछ कंट्रोवर्सीज खड़े हो गए, विवाद यू नो खड़े हो गए, व्हाटएवर जो भी हुआ है पास्ट के अंदर, वो शायद ऐसा लगा, लोगों को लगा कि शायद यू नो इज़ अ बैड ईयर, बट मेरे लिए हर साल अच्छा ही रहा, क्योंकि उन सब चीज़ों से सीखने को मिला है कि यू नो कि जब तक आप काम करते रहोगे आप सही ट्रैक पे चलोगे, आपको कभी नीचे खींचने की कोशिश की जाएगी, जब आप नीचे हो तो आपको ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी, बस अगर आपको किसी को मारना है तो सिर्फ काम से मारना है, अगर आपको चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो वो सिर्फ काम से ही आता है। अच्छा, सलमान, कोई रेजोल्यूशन हो अगर आने वाले साल के लिए? कोई नहीं, ऐसी चीज़ मत बनाओ जो कि आप इसके ऊपर यू कांट फॉलो इट। जिस तरह से सभी जैसे कोई भी एज हो, जब बर्थडे होता है तो सब बच्चे बन जाते हैं, तो आप उस दिन कैसे, मतलब किस तरह से होता है, मतलब आप सब बच्चे बन जाते हैं उस दिन बर्थडे के दिन, आप भी एक्साइटेड होते हैं बर्थडे से पहले? बर्थडे नहीं, एक्साइटमेंट ये होती है कि मैं महीनों और दिनों में बहुत बुरा हूँ, मुझे ये पता नहीं कि ये महीना कौन सा और आज तारीख कौन सी या आज दिन कौन सा है, मुझे इतना पता है कि साल कौन सा है, तो मैं डेट्स के मामले में बहुत बेकार हूँ, मुझे रिमाइंड किया जाता है कि आज के कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन आने वाला है या यू नो किसी की फैमिली के अंदर सालगिरह होने वाली है, जैसे वो होता ना कि
कि 1900 में ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी दिसंबर में, उसके साथ ये हुआ था, हिस्ट्री के जो डेट्स हैं मैं उसके अंदर बहुत पुअर हूँ। जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि be happy, that's it, all good. Thank you so much for talking to us. Thanks.